तो कहानी एक लड़का का ऊपर है। वो लड़का जो माँ बाप का इकलौता संतान था और उसने अपना जिंदगी में कुछ नहीं किया क्योंकि उसको कुछ करने का जरूरी ही नहीं था। जो वो सोचता था, वो जो वो पाना चाहता था, उसका पूरा सामना पूरी हो जाती थी क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही एक अमीर इंसान था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं पिताजी का मन में एक संदेह रह जाता है कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या करेगा, इसे तो कुछ करना ही नहीं आता क्योंकि मैंने बचपन से इसे कुछ सिखाया ही नहीं। पिताजी ये सोच रहा था कि बेटा उसका सामने आ जाता है और कहता है, पिताजी मुझे कॉलेज जाना है। तो बाप से पैसा मांगता है तो बाप कहता है, ठीक है आपको कितना पैसा चाहिए मैं आपको देता हूँ, फिर भी 10 रुपया मुझे इनकम करके दीजिए। तो बेटा को लगा कि 10 रुपया तो कुछ नहीं, दिन में वो हजारों पैसा इजीली खर्च कर लेता है। वो माँ से पैसा मांगता है, माँ मुझे 10 रुपया चाहिए। तो बिना कुछ कहे हुए माँ उसे 10 रुपया दे देते हैं। जब शाम का टाइम हो गया, पिताजी घर पहुँच जाता है तो वो पिताजी उसको पुकारता है, बेट 10 रुपया आपको मैंने कमाने के लिए कहा था, आपने कमा कर लाया है? तो तुरंत बेटा जवाब देता है कि ले लीजिए पिताजी, 10 रुपया मैंने कमाया है। तो पिताजी कहता है, ठीक है ये 10 रुपया ले जाओ और इस 10 रुपया को उस कोरे दाना में फेंक दीजिए। तो वो तुरंत फेंक कर आ जाता है और पिताजी से 10-20 हज़ार नकद इनाम ले लेता है। फिर उस रात को पिताजी सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। पिताजी को संदेह होता है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा ने ये पैसा कुछ से कमाया हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को जब बेटा उससे पैसा का जिद करता है, कॉलेज जाने के लिए पैसा मांगता है, तो फिर से वो कहता है कि इस बार भी आप मेरा लिए 10 रुपया कमा कर लाइए, अभी मैं आपको पॉकेट खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको शाम में मिलता हूँ। जब बेटा घर से निकल जाता है, सभी घर वालों को एक जगह में बुला लेता है और कहता है, खबरदार जिसने भी मेरा बेटा को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। यह कहकर वो ऑफिस चला जाता है। कॉलेज ख़त्म होते ही बेटा जो अपने घर पहुंच जाता है और माँ से 10 रुपया मांगता है, तो माँ कहता है, सॉरी बेटा मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। एक एक करके हर घर का सदस्य उसको पैसा देने के लिए इनकार कर देता है। तो वो बाहर जाकर अपने पड़ोसी में जाकर वो पड़ोसी से वो 10 रुपया मांग लेता है। पिताजी फिर घर से घर पहुंच जाता है तो अपना बेटा को आवाज़ देता है, तो बेटा तुरंत पिताजी के सामने आ जाता है। जब पिताजी कहता है कि क्या आपने 10 रुपया कमा के लाया है मेरा लिए, तो बेटा तुरंत 10 रुपया उसको दे देता है। तो पिताजी कहता है कि इस 10 रुपया को ले जाइए और उसी डस्टबिन में फेंक दीजिए जहाँ आपने कल फेंका था। तो खुशी खुशी वो बेटा जाकर उस 10 रुपया को उस डस्टबिन में फेंक देता है और वापस पिताजी के साथ आ जाता है और मुँह मांगा रकम लेकर चला जाता है। शाम को सोने से पहले पिताजी को समझ में नहीं आता कि उसका बेटा ने सचमुच कमाई किया है, अपना दम से कमाई किया है या कहीं से लिया है। ये पता चलता है कि आस पड़ोस का कोई किसी ने उसको पैसा दिया है। तो उस वक्त वो अपना आस पड़ोस का हर आदमी से मिलता है और कहता है कि खबरदार जिसने भी मेरा बेटा को पैसा देने की ज़रूरत की। तो ऐसा कहकर वो घर पहुंच जाता है। तीसरे दिन जब बेटा पैसा मांगने के लिए पिताजी की ओर चला आता है तो पिताजी फिर से उसका आगे वही टास्क रख देता है, आज भी आपको 10 रुपया मेरे लिए कमा कर लाना है। यह कहकर पिताजी ऑफिस की ओर चला जाता है। बेटा जब कॉलेज पहुंचता है तो
यह बात वो अपने दोस्तों से शेयर करता है और वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसका दोस्त उसे मदद करे। फिर भी कोई भी उसको मदद करने के लिए रेडी नहीं था। वो दोस्त जिसका ऊपर वो खर्च करता था हर दिन, जिसे वो खिला पिलाता था, वो आज उसे छोड़ चुका है। तो कॉलेज से निराश होकर जब वो घर पहुंचता है, घर के सदस्यों से पैसा मांगता है, तो घर का सदस्य भी उसको मना कर देता है। तो मना करने के बाद फिर से वो अपना आस पड़ोस में जाकर पैसा मांगता है। तो आस पड़ोस जितना भी आस पड़ोस है वो भी उसे मना कर देता है। उस दिन वो बहुत तड़प रहा था एक 10 रुपया के लिए, और उसका दिमाग में यह चल रहा था कि मैं 10 रुपया कहाँ से लाऊं। तो ये सोचते सोचते वो एक ट्रेन स्टेशन पर चला जाता है, कुर्सी में बैठ जाता है, कोना में बैठ जाता था है कि कहाँ से मैं 10 रुपया इनकम करूं, क्योंकि आज शाम मुझे अपना पिताजी को दिखाना है। तो ऐसे बैठ रहा था कि कहीं से एक ट्रेन आकर रुक जाता है वहाँ, और ट्रेन में से बहुत देर सारा आदमी निकलता है। उसमें से एक आदमी उसे आवाज़ लगाता है, ए कुली इधर आओ, सामान उतारना है। तो उस बात को सुनकर उसे बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा लगता है, क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा था, वो तो कुली नहीं था। गुस्से से जब वो गुस्से से उस पैसेंजर की ओर देखता है, तो पैसेंजर कहता है, ए कुली अगर तो ये सामान उतार दो, मैं आपको 10 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। तो जब 10 रुपया का बात उसका कानों में आ जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि आज शाम को मुझे दिखाना है अपना पिताजी को कि 10 रुपया मैंने कमाया है। तो वो मान जाता है और वो उस पैसेंजर का सामान उतारने लग जाता है। जब वो उसको उतारते हुए जा रहा होता है, तो 2-3 बार गिर भी जाता है, गिरकर उसे चोट भी लग जाता है। क्यों बोलने से उसने अपना ज़िंदगी में कभी इस तरह का काम नहीं किया था। आखिरी में जब काम ख़त्म हो जाता है, तो उसे उस पैसेंजर ने 10 रुपया उसका हाथ में थमा देता है, और उस 10 रुपया को लेकर वो तख्ता निराश हुआ वो घर पहुँच जाता है, क्योंकि आज उसने बहुत मेहनत किया है जो कभी उसने अपना लाइफ में नहीं किया था। पिताजी ऑफिस से आता है और उसका नाम पुकारता है। जब नाम पुकारता है, तो वो पिताजी के सामने आ जाता है और पिताजी को देता है कि ये लो पिताजी, मेरा आज का मेहनत का कमाई। तो पिताजी कहता है, ठीक है, इस 10 रुपया को उस डस्टबिन में फेंक कर आ जाओ। जब ये बात पिताजी का मुँह से निकलता है, तो उसका बेटा को बहुत गुस्सा आ जाता है, और बहुत ही गुस्सा में वो पिताजी को अनप शनप गाली दे देता है। पिताजी को वो ये कहता है कि ये आपका बेटा का मेहनत का फल है, मेहनत का पैसा है, मैंने इसके लिए कितना मेहनत किया, दूसरों का बोझ उठाया कूली की तरह, मेरा हाथ पैर में चोट भी आ गया इस पैसा को कमाने में, और अब कहता है कि इस पैसे को कूड़े दाने में फेंक दो। अब क्या पिताजी है कि आपको पता नहीं है कि मेहनत का फल कैसा होता है। पिताजी से बहस कर लेता है और बहस करता है, तो पिताजी को समझ आ जाता है कि ये 10 रुपया मेरा बेटा ने अपना मेहनत से ही कमाया है, और वो खुश होकर बेटा को गले लगाता है और कहता है, बेटा मेहनत क्या होता है और मेहनत से कमाया वाला पैसा आपके लिए कितना कीमती होता है, यही दिखाने के लिए मैंने आपको यह टास्क दिया था। आज से मुझे विश्वास हो गया कि आप जान चुका है पैसा का कीमत को। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी कैसे लगा, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं इस तरह का कहानी मोटिवेशन कहानी लाऊँ, तो आपको पहली नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।